एक्चुअली 9 महीने से हमारा धंधा बंद था। आपने शंकर ललवानी जी ने हमारी मुख्यमंत्री जी से बात कराई, माननीय तुलसी सिलावट जी ने हमारी बात कराई, तुलसी सिलावट जी ने घोषणा करवाई हमारी वहाँ पे कि आप बैंड बजेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में बैंड वालों को परमिशन दे दी है कि आप शादी ब्याह में आप बैंड बजाएं। क्या गाइडलाइन के साथ? गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो हम ऑलरेडी पहले से ही चलते हैं, 2-2 फीट दूरी, 3-3 फीट दूरी से पहले ही चलते हैं हम, तो उसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। एक नई धुन भी आपने? हाँ, स्वच्छता की धुन हमने बजाई है, स्वच्छता की धुन हमने, अब हमने ये सभी प्रदेश के सारे लोगों को, हमने हमारे एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्षों को आदेश दिया है कि आप किसी भी शादी ब्याह में या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं तो पहले स्वच्छता की धुन बजाएं और उनको ये संदेश दें कि आप अपना देश, प्रदेश, अपना शहर स्वच्छ रखें। मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया गया था कि चूंकि इस बार हमारी शादियों के मांगलिक जो कार्य हैं बहुत कम दिनों के लिए हैं और पूरे वर्ष हमारा इसी पे जो बैंड परिवार है, एक एक बैंड के साथ कई परिवार जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ अन्य परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। इस बार बहुत कम मांगलिक कार्यक्रम मुहूर्त के दिन है, तो उसमें शादियों में हमको बैंड बनाने की परमिशन दी जाए। हमने इनकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के निवेदन में उनके बीच में संज्ञान में लाई और हमारे मुख्यमंत्री बहुत ही सहृदय हैं, वो इस बात को समझते हैं। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि बैंड वालों को आने वाले मांगलिक दिनों में सशर्त मंजूरी दी जाए और पूरी बैंड अब इस बार मांगलिक कार्यों में रहेगी, लेकिन उसमें ये बात का ध्यान रखा जाए कि बैंड वाले आपस में सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और जब नहीं बजाएं तब मुँह पे मास्क भी लगाएं। इन बातों का ध्यान